हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसी तरह के जो प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। या जो प्रश्न पेपर है डिग्री पार्ट टू, यानी कि अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स हैं तो उसका जो पार्ट टू है उसका पेपर नंबर 4 है, जिसमें कि यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं, और बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसी तरह के प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को जो अंत तक देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितना भी आंसर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। अगर आप PDF के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो समय दिया गया है 3 घंटा दिया जाता है, आपको पता होगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 100 मार्क्स होता है। और इसमें जो आपको दिया गया है कि जो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। देखिए, इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 5 का जो है आपको आंसर देना है, और 5 का जो देना है तो एक प्रश्न जो है इसमें आपको 20 मार्क्स का होगा। तो अगर आप 5 का देंगे तो आपको 100 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, समझे? तो आपको 100 मार्क्स आसानी से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पे है कि जर्मनी एकीकरण की व्याख्या कीजिए। जो जर्मन का जो एक जर्मन एकीकरण है, यानी हम जर्मनी एकीकरण भी बोल सकते हैं, तो इसका जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको आप एक बार चाहें तो देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध है और द्वितीय विश्व युद्ध है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो पूछा गया है वर्साय की संधि, आपको कमेंट करके बताना है कि किसके किसके बीच में हुआ था वर्साय की संधि, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं कवर कराऊंगा इसी चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चौथा जो प्रश्न पूछा गया है कि रूस के जार सिकंदर द्वितीय की व्याख्या कीजिए। आपको पता होगा कि रूस में जो राजा हुआ करते हैं, जो वहाँ का शासक होता है, उसको क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। तो सिकंदर द्वितीय जो रूस के शासक थे उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की जो भूमिका थी, उसके बारे में आपको बताना है, और बिस्मार्क की जो जीवनी रही है, बायोग्राफी रही है इनके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बिस्मार्क पे टिप्पणी लिखने के लिए भी बोला जा सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। उसके बाद है नेपोलियन तृतीय पर प्रकाश डालिए, यानी कि नेपोलियन तृतीय की जो जीवनी है उसके बारे में पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया बिस्मार्क, तो उसके बारे में भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है छठा प्रश्न में आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि देखिए, अब यहाँ पहले दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पड़ने वाले प्रभाव, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है छठा में द्वितीय विश्व। तो दोनों विश्व युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसमें दोनों पूछ लिया गया है, कभी कभी दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। और सातवां प्रश्न पूछा गया है लीग ऑफ नेशन की उपलब्धियों और विफलताओं की व्याख्या करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मैं इसी चैनल पर कवर करा दूंगा। आठवां प्रश्न जो है 1919 की जो रूस की क्रांति थी उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 1919 की जो क्रांति थी इससे पूछा गया है। उसके बाद जो जर्मनी का एकीकरण हो गया, फ्रांस का एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण हो गया, इन सभी देशों के एकीकरण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका ये पेपर है यूरोपियन हिस्ट्री, इसमें ये पूछा जाता है। और उसके बाद जो है नौवां प्रश्न देखेंगे, नेपोलियन के उदय के कारण बताइए। यानी कि कुल मिला के इसमें आपको नेपोलियन के बारे में जीवनी लिखनी है। और दसवां जो प्रश्न है, जो कि करंट टॉपिक से उठाया गया है, क्रीमिया युद्ध की व्याख्या कीजिए। तो अभी क्रीमिया जैसे रूस के अंडर है, रूस ने कब्जा करके रखा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो 10 प्रश्न हैं ये इस बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आने वाले एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। और जितने भी आंसर होंगे इस क्वेश्चन पेपर के, मैं सभी इस चैनल पर अपलोड करा दूंगा। और
आप चाहते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।